तो दोस्तों आप एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं जिसमें आप एप्लीकेशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें आपके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। आपको पता नहीं होता कि कौन सा एप्लीकेशन इंडिया का है और कौन सा एप्लीकेशन चाइना का है। तो दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से इस एप्लीकेशन को जान सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन इंडिया का है और कौन सा एप्लीकेशन चाइना का है। अगर आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एप्लीकेशन चाइना का है और कौन सा एप्लीकेशन इंडिया का है, जिससे आपको कोई भी नुकसान ना हो। क्योंकि आपके चाइना का अगर एप्लीकेशन है तो आपकी जो कंट्री का डेटा है, मतलब आपका खुद का डेटा है, वो चुरा सकती है दूसरी कंट्री। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी एप्लीकेशन जो यूज़ कर रहे हैं उस एप्लीकेशन चाइना है या इंडिया है। तो दोस्तों मैं इस एक कमाल की ट्रिक इस वीडियो में बताऊंगा, जिसे आप जान करके चौंक जाएंगे। और आपको कंफर्म 100% मैं बोल रहा हूँ को आपको ये ट्रिक नहीं पता होगी। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जिससे मैं आपको फुल डिटेल में बताऊँगा कि आप इस एप्लीकेशन का एक एप्लीकेशन बताऊँगा जिसे इसे यूज कर करके और अपने एंड्रॉयड फ़ोन के जो एप्लीकेशन हैं उसे कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन इंडिया का है, कौन सा एप्लीकेशन चाइना का है। जयसवाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल LC टेक्निकल। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली से आपको प्ले स्टोर पर या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी जिसमें उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उस एप्लीकेशन का कुछ इंटरफेस, कुछ लोगो इस तरह होगा। सिंपली से इस एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा जिसमें आपको रिमूव चाइना ऐप लिखा होगा। इसमें सिंपली से दोस्तों आपको जितनी भी आपके फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन पे अगर आप न्यू परचेस किए हैं फ़ोन या आपका पुराना फ़ोन है तो आप इसे स्कैन करके आप पता कर सकते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन चाइना है और कौन सा एप्लीकेशन इंडिया का है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली से इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद स्कैन नाउ में क्लिक करना है। स्कैन नाउ में क्लिक करने के बाद कुछ स्कैन होगा और मेरे एंड्रॉयड फ़ोन पे 3 एप्लीकेशन ऐसे हैं जो चाइना हैं। टिकटॉक तो मैं हम लोग जानते हैं कि ये एप्लीकेशन चाइना का है। यूसी ब्राउज़र को पता नहीं था और मुझे एक्सजेंडर को भी पता नहीं था। दोस्तों मैंने इस एप्लीकेशन से ये भी पता कर लिया कि ये एप्लीकेशन चाइना के हैं और हमें अगर इन एप्लीकेशन को रिमूव करना है सिंपली से डिलीट वाले ऑप्शन पे जाना है और सिंपली से ओके कर देना है। अगर इस तरह से एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए और चाइना के एप्लीकेशन को अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और पता कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह एप्लीकेशन अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, जिससे आपके चल जाए ये एप्लीकेशन जो भी चाइना के हैं उसे आप पता कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जो व्यक्ति कमेंट्स में लाइक की भीख मांग रहा है, देखिए इसमें आपका ही नुकसान है, आपकी ही इज्जत कम हो रही है। कृपया करके ऐसे अश्लील